ऑलरेडी पता चल रहा है कि भाई आगे आ रहा है साउंड सही लग रहा है। व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। यार मैंने कल रात को ना आया घर पे, सोचा कि यार वीडियोस पे एक पोल करके देखता हूँ पहले, तो वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले एक पोल करके देखता हूँ कि भाई तुम लोगों को हिंदी में ट्यूटोरियल्स चाहिए कि इंग्लिश पे। सुबह उठ के देखा 90% लोगों ने वोट किया कि हिंदी पे वीडियोस चाहिए, और कमेंट्स भी काफ़ी आए, एक दो कमेंट्स आए वहाँ पे कि भाई हिंदी पे करो, और वोट्स तो काफ़ी आए, 18-19 वोट आया। चैनल नया है सो मैं भी सोच रहा हूँ, मैं भी कंफ्यूज हूँ कि किस पे करूँ, इंग्लिश पे करूँ, अभी न्यू टाइम एज लाइक ग्रो होने के टाइम पे, सो ऑब्वियसली भाई अभी तो कन्फ्यूजन में ही रहूँगा मैं। बट एनीवे हिंदी पे ही बहुत वोट्स आया, तो भाई जिधर ज़्यादा वोट भाई उधर हवा, जिधर भाई उधर। सो एनीवे सो गाइस हिंदी पे वीडियोस होंगे अभी से। सो उसके अलावा आज जो मैं बात करने वाला हूँ टॉपिक, बहुत लोगों ने हमेशा कमेंट करते हैं कि भाई ड्रम्स को कैसा हार्ट करना है। लास्ट वीडियो पे भी किसी ने कमेंट किया था, सूफी ने आई गेस, तो उसने भी कमेंट किया था कि भाई ड्रम्स और 808 को कैसा हार्ट करना है, ये सब कैसा एग्जांपल दिया था। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करता हूँ। तो देखो भाई ड्रम्स हिप हॉप में ना, हिप हॉप जॉनर में ड्रम्स और 808 हार्ड नहीं होंगे ना तो लाइक बीट सेल होता ही नहीं है। मतलब होगा कभी कभार, बट 90% ऑफ द बीट जो एकदम टॉप में रहते हैं ना, बीट स्टार्स पे जाके देखो या कुछ, उनके ड्रम्स हार्ड ही होते हैं भाई। बात तो सही है। आज मैं दिखाने वाला हूँ कि तुम अपने ड्रम्स और 808 को हार्ड कैसे करोगे। सो मैं ये अपना तरीका शेयर कर रहा हूँ, किसी किसी और का अलग अलग तरीका होता है, बट ये मेरा तरीका है। सो आई होप यू गाइस ये वीडियो लाइक यू नो फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। सो भाई टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं जाके वीडियो दिखाता हूँ अभी 808 ड्रम्स को कैसा हार्ड करना है। काफ़ी कुछ तीन चार तरीके है जो यू नो यू कैन अप्लाई ऑन टू योर बीट्स। तो एनीवे भाई देखो भाई शेयर वेयर करो, सब्सक्राइब वगैरह करो, नए है तो वीडियो पे अगर ऑलरेडी किया है तो भाई थैंक यू। और हाँ भाई चलो वीडियो पे जाते हैं। तो गाइस फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमेशा बीट जब तुम स्टार्ट करोगे मिक्स करने के लिए या तो तुम बीट बनाने के लिए स्टार्ट करोगे, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट अपने मास्टर चेन में जाना, ठीक है। मास्टर चेन में ये सबको इग्नोर करो, अभी मैं इसको ऑफ करके रखा हूँ, ये मैं किसी और दिन तुमको एक्सप्लेन करूँगा। पहले तो भाई देखो फ्रूटी सॉफ्ट क्लिपर या कोई भी क्लिपर प्लगइन, ये तो अपना स्टॉक प्लगइन है, काफ़ी लोगों के पास अलग अलग प्लगइन्स नहीं होंगे। सॉफ्ट क्लिपर काफ़ी तगड़ा है भाई, बहुत तगड़ा है, ठीक है। तो ये मतलब एकदम गोट प्लगइन है, ये इंडस्ट्री पे भी यूज होता है, बड़े बड़े लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है। समझ रहे हो आप डायरेक्ट मास्टर चेन पे इसको लोड करके रख देना, उसके बाद टेंशन एकदम खत्म क्लिपिंग का, ठीक है। तो इसको लोड करना, उसके बाद आते हैं ड्रम्स पे, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट किक पे, ठीक है, ये किक है, ये नॉर्मल किक है। अब तुम देख सकते हो कि ये 9 पे पिक कर रहा है, अभी तुमको इसको लाउड करना है तो एक यहाँ से ही तुम कर सकते हो, ठीक है, ये सैम्पलर से ही तुम लाउड कर सकते हो। तो सैम्पलर से अगर लाउड करना है तुम लोगों को किक को, तो ये दिख रहा है ये आइकन, इस पर क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद ये बूस्ट दिख रहा है ना, बूस्ट, ठीक है, ये बूस्ट को तुम पुश करना, और फिर फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने 6% 7% बूस्ट किया, देखो ऑलरेडी लाउड हो गया और हार्ट भी साउंड कर रहा है, बट 7% पे बूस्ट करना, और ये EQ है ना, इसको भी और थोड़ा बूस्ट कर देना 50% 45%, ठीक है। ऑलरेडी द किक इज साउंडिंग लाउड। तो मेरे हिसाब से ये रेड लाइन को तो तुम इग्नोर ही करना भाई, बहुत बार मैंने भी सोचा कि भाई ओ शिट 0 के बाहर जा रहा है तो यू नो गलत हो रहा है ये वो, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब ऐसे ही मतलब होता है। बट अभी जब हम लोग बीट्स ही बना रहे हैं ना, थोड़ी ना गाना मिक्स करने जा रहे हैं जो इतना चेक करेंगे ये सबको, हम लोगों को क्या है ना बीट को हार्ड करना है भाई, जितना हो सके घर का स्पीकर फटना है, गाड़ी का स्पीकर फटना है, ये होना है, ठीक है। तो एनीवे इसको मैं अराउंड 0 या तो 3 तक रखता हूँ, क्योंकि मुझे इस गाने पे किक्स हार्ड रखना है, या तो कभी कभी मुझे किक्स लो रखना है और फिर 808 ज़्यादा हार्ड रखना है, तो फिर मैं 808 को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, ठीक है। सो इसमें किक को मैंने इतना में रख दिया, ठीक है, तो ये ऑलरेडी साउंडिंग गुड। अभी सुन के देखते हैं, बाकी साउंड को मैंने कुछ किया नहीं है,
तो अभी सिर्फ बीट प्ले करके दिखाता हूँ कैसा साउंड कर रहा है विद द किक्स विद ये वाला तरीका से, ठीक है? तो पहले अभी देखते हैं कि ये ऐसे है, ठीक है? ठीक है, अभी इसको बूस्ट करे बिना कैसा साउंड कर रहा है देखो, काफी डिफरेंस दिख रहा है। सो अभी तुम क्या कर सकते हो, या तो अभी बीट के साथ प्ले कर करके इसको बूस्ट करो, आई थिंक दिस इज गुड इनफ। अब बहुत लोग बोलोगे कि भाई वो तो फटने लगा है, ये हो रहा है भाई, ये हो रहा है, फट रहा है, आवाज कैसा लग रहा है, मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? देखो भाई आजकल के जितने भी हिप हॉप गाने सुनोगे ना, फटा हुआ आवाज ही सुनता, किक हो, एटो वेटो, थोड़ा फटा फटा साउंड ही चल रहा है आजकल। सो इतना चिंता मत करो, आजकल जो ट्रेंड पे चल रहा है उसको फॉलो करो। 10 साल पहले अलग ट्रेंड था और अभी अलग ट्रेंड है, 10 साल नहीं 20 साल पहले। सो एनीवे ये तुम सेम अप्लाई कर सकते हो अपने 808 पे भी, ठीक है? तो और एक तरीका है वो भी अभी दिखाता हूँ, चलो। जो चीज़ मैंने किक पे दिखाया ना, वो चीज़ सेम तुम लोग 808 पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अभी मैं तुमको कुछ नया दिखाता हूँ, और एक चीज़ है, ये सैम्पलर पे तुम लोग कर सकते हो। देखो 808 पे जाके ये प्री कंप्यूटेड इफेक्ट्स में जाके तुम वही सेम चीज़ कर सकते हो, बूस्ट को 5% वगैरह वगैरह, यू नो, एसेट्रा एसेट्रा। और एक चीज़ है 808 को ना, फॉर एग्जाम्पल अभी दिखता हूँ, अभी दिखाता हूँ, ये हो गया तुम्हारा, इसको बूस्ट कर दिया मैंने 6%, ठीक है? या तो 6% में रख दिया, ये क्यों के साथ इतना खेलने की ज़रूरत नहीं है, 808 पे बूस्ट ही ठीक है, ठीक है? अभी ये दिख रहा है ना, इसको और एक चीज़ कर सकते हो, ये आउट नॉब के साथ थोड़ा खेलो, स्पेशली जब तुम फास्ट बीट्स बना रहे हो ना, जैसे कि 160 से लाइक 180 या तो 90 BPM जो होता है ना, 180 BPM फास्ट बीट्स में क्या होता है ना, 808 शॉर्ट रखने से ना ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा बाउंसी लगता है। और जब तुम स्लो बीट्स बना रहे हो ना, जैसे कि 130 ये गाना वाना टाइप के थोड़े लेट बैक बना रहे हो ना, तो 808 को थोड़ा लॉन्गर रखना, ठीक है? तो ये एक भाई मेरे तरफ से टिप है जो तुम यूज़ कर सकते हो अपने बीट्स पे, वो काफ़ी सही सही साउंड करेंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग स्लो बीट्स पे बहुत शॉर्ट 808 यूज़ कर देते, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा खाली खाली सा लगता है। सो यू नो गाइस, प्ले विद द आउट नॉब, या तो तुम और एक चीज़ से खेल सकते हो, आउट से नहीं खेलना है तो इस पे जाओ, इस पे जाके ये देखो, फॉर डिफॉल्ट में ये कैसा था मैं भी भूल गया यार, फक रीसेट मेरा बेच, छोड़ो। एनीवे एनवेलप ऑन करोगे ना, ये डिले हो गया तुम्हारा, ऐसा रहता है ना, तो इसको इधर लाना, अटैक ऐसा रहता है तो इसको भी ऐसा रहना, होल्ड को फुल कर देना, बाकी सबको जीरो पे ला देना, ठीक है? सिर्फ होल्ड और ये करना, तो तुम नोट्स के साथ अपने पियानो रोल पे खेल सकते हो, तो ये ज़्यादा ज़्यादा सही रहता मेरे हिसाब से, ठीक है? तो एनीवे सो अभी मैं बूस्ट को हटा देता हूँ, और एक तरीका है, तो ये दिख रहा है ना लेवल्स एडजस्टमेंट, ठीक है? इसको तो यहाँ से ही तुम गेन स्टेजिंग कर सकते हो, तो तुम इसको अगर समवेयर अराउंड 120% वो विच इज़ 4.1 dB रख दोगे ना, तो 808 यहाँ भी साउंड लाइक इट विल साउंड गुड। अभी देख सकते हैं कि 3 पे -3 पे लाउडनेस है, सो बढ़ाते रहते हैं, सॉरी गाइस, इसको सॉरी फॉर दिस, ये दोनों को प्लगइन को मैं ऑफ रखता हूँ, लिमिटर ने उसको थोड़ा देखो कैसा लाउड हो रहा है, बस मतलब किक के हिसाब से करना, अगर तुम्हारे गाने पे किक ही नहीं है, सिर्फ 808 तो फिर 808 राजा है भाई, 808 तो ऑब्वियसली राजा ही होता है। एनीवे तो जैसे तुमको लग रहा है कि हाँ भाई ज़्यादा हो रहा है तो उसको कमा देना, ठीक है? तो ये एक तरीका है, ठीक है? तो ये एक तरीका है इसको यूज़ करने का। और एक तरीका जो है वो है, तुम यहाँ जाओ, ठीक है? पैचर ऑन करो, ठीक है? पैचर लोड कर दिया, प्रीसेट में जाना है, ठीक है?
मैंने अपना शॉर्ट पे भी दिया था, बट ये बहुत सही तरीका है भाई, एक क्लिक में सब कुछ हो जाता है। तो ये हार्ट क्लिप ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाओ 1K हार्ट क्लिप, ठीक है। इसके बाद गाना प्ले करना, और मैं ना इसको पहले नॉर्मल में रख देता हूँ, ठीक है ठीक है। सॉरी, गाना प्ले करना, धीरे 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 कैसा सैचुरेशन आ रहा है, मतलब कि कभी कभी इतना तक कर देंगे तो ज़्यादा हो जाता भाई। ये तो ये वाला 808 भी यूज़ होता है, ऐसा साउंड का 808 भी हीट के गाने पे यूज़ होते हैं। ओह माय गॉड, लेकिन इस गाने के लिए कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। और ये तरीका मुझे सही लगता है, मतलब कि एक तो तुम्हारा -3 पे रह गया है, ठीक है, उसके बाद बढ़ा रहे बट वो -3 से ऊपर जा भी नहीं रहा है, तो मत पता नहीं वो क्या करता है, बट यू नो आई थिंक एक तरीका से मतलब क्लिप भी कर रहा है और साथ में यू नो वो साउंड भी बाहर निकल के आ रहा है जो हम लोग को चाहिए। तो ये प्लगइन मुझे यूज़ करना अच्छा लगता है, ठीक है। पैचर हो गया, फिर उसके बाद और एक प्लगइन है फ्रूटी वेव शेपर, ये भी मस्त प्लगइन है, ठीक है। तो इसको भी तुम लोग इधर क्लिक करना, फर्स्ट ऑफ ऑल HQ करना, सेंटर करना, मतलब मोनो हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर क्लिक करना, इधर करना, और फिर तो देखना उसके हिसाब से तुम लोग अपना साउंड को मतलब शेप करना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कीकोर 808 को कैसा लाउड करने का तरीका, सिंपल तरीका है, बहुत इजी है, इसको तुम लोग यूज़ कर सकते हो अपने वीडियोस पे। पानी पी लेता हूँ भाई, प्यास लगी है बहुत, बकरा हूँ मैं। सो गाइस, मैंने तुम लोगों को दिखा दिया कि किक और 808 पे क्या करना है, ठीक है। उसको मैं अभी तुम लोगों को दिखाऊंगा कि उसको मैं कैसे मतलब यू नो गेन स्टेजिंग में दोनों को कैसा मतलब बैलेंस करता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले मैं दिखाता हूँ कि तुम्हारा जो स्नेयर हो गया ना, क्लैप हो गया, हाई हैट हो गया, इनको भी मतलब किक और 808 के हिसाब में ना मतलब उनको भी ना अपफ्रंट ही रखना है, ठीक है। तो मैं ये दिखाता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम जब प्ले करोगे ना तो इनको मैंने लेयर्स किया, लेयर करके रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो मेन हो गया क्लैप, सॉरी इतने में रखता हूँ, फिर हाई हैट को करते हैं, और ये हाई हैट का ना हमेशा लो एंड को काट देना, लाइक यू नो उसको हटा देना। अगर कुछ रम लो एंड में थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी रहा ना, तो यू नो कभी कभी ऐसा मडी लगता है किक और 808। सो फॉर द सेफ जोन हमेशा EQ करके रखना, ठीक है। ये हो गया, इसको ना राउट करना, ठीक है। तो इसमें राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करके राउट टू दिस ट्रैक करना, ठीक है। ये ऑक्स चैनल बनाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं ड्रम्स पैरेलल ड्रम्स, जो भी है पैरेलल हो, कुछ कलर वलर भी दे देते हैं मस्ती के लिए, ठीक है। इतना मतलब नहीं है, बट कभी कभी ये सब दोनों रंग बिरंगी करना अच्छा लगता है। सो एनीवे, ड्रम्स पैरेलल दे दिया, ठीक है इसको। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पैचर ऑन करते हैं, ठीक है, वही यूज़ करते हैं
1K हार्ट क्लिप यूज करते हैं चलो, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी तुम लोग को बता दिया है। सो और इसमें दिखाता हूँ ताकि तुम लोग ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो कि भाई क्या क्या प्लगइन्स यूज कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो इसको क्या, ठीक है, इसको हम लोग फुल कर देते हैं। फुल कर दिया ना, इसके बाद क्या करना है, इसको ना नीचे से धीरे 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 ऊपर लाना है, ताकि हम लोग को बस डिफरेंस थोड़ा पता चले कि हाँ भाई साउंड में कुछ आ रहा है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको तुम लोग बहुत वोकल्स पे भी यूज़ कर सकते हो, ड्रम्स पे भी यूज़ कर सकते हो, कुछ में भी बहुत काम करता है, ठीक है। तो ये एक तरीका है, मैं दिखाता हूँ। ऑलरेडी पता चल रहा है कि भाई आगे आ रहा है, आगे आ रहा है, साउंड सही लग रहा है। इसको ऑफ करके देखते हैं, अब ऑन करके फिर चलाता हूं। एक सही सा मतलब होता है ना, वो क्रिस्पीनेस आ गया भाई इसको यूज करके, ठीक है। ये एक तरीका हो गया पैचर को, इसको ऑफ करते हैं। और एक तरीका है, वो है तुम्हारा कंप्रेशन, पूरा कंप्रेशन, मतलब एकदम एक देखता हूँ मैं पैचर में कोई कंप्रेशन है कि नहीं भाई। इजी वाला कंप्रेशन यूज़ करते ताकि तुम लोग को मतलब कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये हो गया 1KMB कंप्रेसर, इसको खोलते हैं, ठीक है। इसको मैं फुल कर देता हूँ, मतलब एकदम क्रश हो जाना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, अभी देखो इसको फिर से धीरे धीरे ऊपर लाएंगे। बस ज्यादा नहीं, इसको ऑफ करके देखते हैं। अपने जो ड्रम्स होते हैं ना, जो परकशंस होते हैं, उनको इस तरीके से तुम लोग लाउड कर सकते हो, इस पैरेलल प्रोसेसिंग यूज़ करके इसको मतलब अपफ्रंट ला सकते हो अपने बीट्स पे। इसको मैं अभी फटाक से जल्दी से मिक्स कर लेता हूँ, थोड़ा सा मतलब इसके गेन स्टेजिंग के साथ खेलता हूँ, उसके बाद तुम लोगों को मैं फुल बीट सुनाने वाला हूँ बिना कोई मास्टरिंग, सिर्फ सॉफ्ट क्लिपर रख के। एंड देन या चलो फिर देखते हैं। देखो भाई, और एक चीज़ बताना था, किक और 808 को साइड चेन करने का तरीका मैं भूल ही गया था ऑलमोस्ट, पर दिखा देता हूँ वो भी, क्योंकि वो भी कोई कोई बीट्स पे ज़रूरत नहीं होता है, बट कोई कोई पे होता है। सो मैं दिखा देता हूँ कैसा करना है। तो आप किक पे क्लिक कीजिए, ठीक है, ये 808 मेरा, यहाँ पे तुम डायरेक्ट राइट क्लिक करो, साइड चेन टू दिस ट्रैक, ठीक है। इस पे आना, तो लिमिटर, फ्रूटी लिमिटर को सेलेक्ट कर लेना, ये प्लगइन आएगा ऐसा, ठीक है। कॉम पे क्लिक करना, कॉम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे किक रैक को सेलेक्ट करना, ठीक है, राइट क्लिक करके, ओके। उसके बाद हो गया, इसको तो मैं सोलो करता हूँ फर्स्ट, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हो, ये है थ्रेशोल्ड नॉब, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड नॉब को तुम ऐसा शिट की करे भाई, प्ले तो हो जा, ओके, ठीक है, शिट, ठीक है, इधर तक सही है, ठीक है। नी को थोड़ा बेंड कर देना ऐसा, और फिर रेशियो हो गया, रेशियो, बस, ठीक है, 3:1, ठीक है। और भी हार्ड कर सकते हो, बट मेरे लिए इतना काफी है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, तो ये हो गया तुम्हारा साइड चेनिंग, ठीक है। अभी पूरा बीट सुनते कॉन्टेक्स्ट पे,
सो गाइस आज के लिए ट्यूटोरियल इधर ही समाप्त करता हूँ। होपफुली ये वीडियो तुम लोग को हेल्पफुल लगा। और देखो भाई कमेंट करना कि भाई अगले वीडियोस में क्या चाहिए, उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। और भाई कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। ओके, मोटिवेशन चाहिए भाई, बहुत मोटिवेशन। गर्मी में एक तो वीडियोस बनाओ, एडिट करो भाई, एकदम सर दर्द, मतलब सर दुखता है भाई, अलग लेवल का सर दुखता है। सो एनीवे, ऊपर से बीट बनाओ, उसके ऊपर ये करो वो करो भाई, बहुत काम होता है भाई। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, हाँ शेयर करना भाई जिसको चाहिए ये वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस आउट।